आगरा के मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज जैन मंदिर में श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति कलाकुंज के तत्वावधान में 1 अक्टूबर को क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कलाकुंज जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। 1 अक्टूबर को श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति कलाकुंज के तत्वावधान में दशलक्षण महापर्व के समापन पर क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। यह आयोजन आगरा के मारुति स्टेट स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिशय जैन ने मंगलाचरण के साथ किया। इस दौरान भक्तों के भाव देखते ही बन रहे थे। क्षमावाणी महापर्व में शामिल हुए रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं कि मन में मलिनता आ जाती है। क्षमावाणी पर्व के माध्यम से काशायक भावों को शांत करते हुए सभी लोग एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मैं आज हमारा पवित्र पर्व के बाद ये हमारा मेन जो है क्षमावाणी का जो त्यौहार होता है सभी शैलियों में मनाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे कलाकुंज शैली में हम सब मिलकर मना रहे हैं और क्षमावाणी हमारे धर्म के में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्षमा से ही हम हमारा धर्म स्टार्ट हुआ और क्षमा से ही हम धर्म को एंड 10 लाख श्रेणी दौड़वाते हैं। और क्षमा का अर्थ ये नहीं कि देखा देखी या वैसे ही ऊँ जोड़ी का हम क्षमा कर लें। जो दिल से क्षमा मांगता है बड़ा होकर के भी छोटे से क्षमा मांगे और उसको क्षमा को अपने आचरण में उतारे वही सच्चा धर्म है। हम उसी धर्म को अपने के अनुयायी हैं और इसी तरह से हम सभी मिलकर के अपने आपस में जो साल भर से त्रुटियां हुई हैं उसकी हम क्षमा याचना करेंगे। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बड़े हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे यहाँ क्षमावाणी का पर्व 10 लक्ष का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया और आज सभी लोग क्षमा भाव रखते हुए एक दूसरे को क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे और सभी जिस तरह से हर वर्ष मनाते हैं उसी तरह मनाएंगे। मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ और सब लोगों को क्षमा भाव रखता हूँ अपने मन में। पर्वराज पर्युषण के सफल आयोजन के बाद आज यहाँ महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज मारुति स्टेट में क्षमा वाली पर्व मनाया जा रहा है। क्षमा गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन क्षमा आत्मा का गुण है। क्षमा आत्मसंतुष्टि का प्रतीक है, क्षमा सहजता का प्रतीक है, क्षमा सत्यता का प्रतीक है, क्षमा सहृदयता का प्रतीक है। क्षमा से हृदय हल्का होता है, कलुषता मिटती है और आत्म शांति की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में क्षमा का भाव आए इससे आपस में मतभेद कम होते हैं, ऊंच नीच का भाव कम होता है। हम अगर सभी सच्चे दिल से क्षमा के भाव को धारण करें तो पूरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कल्पना की जाती है। 1 अक्टूबर को मारुति स्टेट जैन मंदिर में आयोजित हुए क्षमावाणी कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज कलाकुंज ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।